भोटा से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे मोरसू गुणा बारिश होते ही एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। गुणा पुल खड्ड में तब्दील होने लगा है। पुल के दोनों तरफ पानी की निकासी न होने की वजह से पुल पर पानी इकट्ठा होने लगा है, जिसकी वजह से पुल पर जाम लगना भी शुरू हो गया है। प्रशासन ने गुणा पुल पर बजरी जरूर बिछाई थी, पर समस्या का कोई हल नहीं निकाला। पुल पर पानी इकट्ठा होने की वजह से कई बार कुणा पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं प्रशासन भी कुणा पुल की समस्या का हल ढूंढने में नाकाम रहा है। वहीं नेशनल हाईवे के एसडीओ के भारद्वाज का कहना है कि मामला हमारे ध्यान में है और जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। भोटा से रमनकांत की रिपोर्ट।